हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप राठौर सोलन पहुंचे। उनके द्वारा पंचायती राज चुनावों को लेकर एक ज्ञापन उपायुक्त सोलन केसी चमन को सौंपा गया। इस मौके पर सोलन के विधायक धनीराम शांडिल, जिला और शहरी कांग्रेस अध्यक्ष शिव कुमार और अंकुश सूद विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर कुलदीप राठौर ने उपायुक्त सोलन के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करवाई कि चुनावों की प्रारंभिक प्रक्रिया में काफी अनियमितताएं हैं, जिसकी जानकारी उनके कार्यकर्ता दे रहे हैं, जिसकी जानकारी आरटीआई के माध्यम से भी कांग्रेस ले रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने इस मौके पर कहा कि चुनावों में जीत हासिल करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भाजपा सरकार करना चाह रही है, लेकिन वे किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि पंचायती राज चुनावों में जीत हासिल करने के लिए फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं, जिसमें सीमावर्ती लोगों को शामिल किया जा रहा है, ऐसी उन्हें आशंका है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई भाजपा द्वारा अमल में लाई जा रही है तो वे बिना अधिकारियों की मिलीभगत के नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि जो रोस्टर भी लागू किया गया है, उन्हें आशंका है कि भाजपा की सहूलियत के हिसाब से उसे जारी किया गया है, जिसके लिए वे उपायुक्त को ज्ञापन सौंप चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को भी आगाह किया कि सरकारें आती और जाती रहती हैं, लेकिन वे भाजपा का एजेंट ना बने और अपना कार्य नियम के हिसाब से करें। पंचायतों के जो स्थानीय निकाय हैं उनके चुनाव होने जा रहे हैं, और हमारी जो सूचना है, जो हमको पार्टी के जो हमारे पदाधिकारी हैं वो हमको बराबर इस बात की सूचना दे रहे हैं, साक्ष्यों के साथ दे रहे हैं कि इन चुनावों में बहुत बड़ी हेराफेरी हो रही है। जो वोटर लिस्ट हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है गड़बड़ किया जा रहा है, और जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लोग हैं उन्हें काटा जा रहा है, और बहुत सारे जो है फर्जी वोट जो है बनाए जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक थी, उसमें लगभग सभी अध्यक्षों ने जो है इस तरह के इल्ज़ाम लगाए। और जहाँ तक अभी सोलन नगर निगम के चुनाव जो है होने, हम तो ये चाहते थे कि पंचायतों के साथ नगर निगम के भी चुनाव होने चाहिए थे, और ना मालूम इन्होंने क्यों जो है नगर निगम के चुनाव जो है आगे स्थगित कर दिए, शायद मार्च अप्रैल में हो रहे हैं। हालांकि जब पंचायतों के चुनाव सरकार करा सकती है तो नगर निगम के चुनाव कराने में इन्हें किस बात का डर है। यहाँ जो नगर निगम के चुनाव है 2011 का जो सेंसिस है जनसंख्या के आधार पर हो रहे हैं, लेकिन रोस्टर में बहुत ज़्यादा जो है गड़बड़ी की हमको आशंका है। अभी हमारे लोगों ने जो है आरटीआई से सूचना मांगी है, और जैसा कि आप लोगों के समक्ष डिप्टी कमिश्नर साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि कोई भी जो जाली वोट है वो बनेगा नहीं और कोई भी सही आदमी छूटेगा नहीं। लेकिन स्पष्ट तौर पे हमारी जो नगर परिषदें हैं, हमारी नालागढ़ की है, परमाणु की है और भद्दी की है, वहाँ भी व्यापक पैमाने में हेराफेरी हो रही है। जो जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ जो बाहर से हरियाणा के लोग हैं उनको जो है उनके नाम जो है वोटर लिस्ट में जोड़े जा रहे हैं, और मेरे पार्टी के सभी जो साथी हैं, हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, हम सबको संदेह है कि बड़े व्यापक तौर पे जो है हेराफेरी का प्रयास किया जा रहा है, और ये हेराफेरी जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके बगैर नहीं हो सकते। मेरा स्पष्ट आरोप है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, जो कर्मचारी और जो अधिकारी स्लिप्त पाए जाएंगे उनके बारे में हम भी एजेंडा लेके चले, क्योंकि बिल्कुल सहन नहीं होगा। आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, जो संविधान के तहत आपको ड्यूटी दी है आप उसका निर्वहन करें। कोई भी कर्मचारी अधिकारी अगर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पे काम करेगा तो कांग्रेस पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। ये स्पष्ट तौर पे मैं धमकी नहीं, एक संकेत आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश में ऐसे लोगों को देने वाला हूँ जो लोग चुनाव में धांधली करने का जो है प्रयास कर रहे हैं।